हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ सरस्वती लर्निंग सेंटर एंड सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर फलोदी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सेकेंड पार्ट ऑफ इनविटेशन टॉपिक इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन के जो दोनों आपके पार्ट हैं एक्सेप्ट और डिक्लाइन हम पढ़ चुके हैं विद एग्जाम्पल्स, और मेन जो डिफरेंस था वो भी हम पहले भी आपको बता चुके हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। तो मेन डिफरेंस क्या है, फॉर्मल इनविटेशन हमेशा आपके थर्ड पर्सन में उसका रिप्लाई किया जाएगा, चाहे आपको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। और इनफॉर्मल जो इन्विटेशन होगा वो एक लेटर की तरह, जैसे लेटर का जो बॉडी पार्ट होता है जिसमें सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो रिसीवर हैं उसका जो एड्रेस लिखा जाएगा, उसके बाद में आपको सैल्यूटेशन का यूज करना है, उसके बाद में जो भी एक फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, जो भी सामने लिखा हुआ है आपको सिर्फ इसी को फॉलो करना है। एग्जाम में सिर्फ आपको इवेंट चेंज करना है, डेट चेंज करनी है, टाइम चेंज करना है और प्लेस चेंज करना है, जो भी वेन्यू है, और एक्सेप्ट करना है उसकी लाइन अलग से दी हुई है, डिक्लाइन की जो लाइन है वो भी अलग दी हुई है। और मेन चीज जो ध्यान रखनी है कि इनफॉर्मल इन्विटेशन इज रिटर्न इन फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन, यानी इनफॉर्मल जो इन्विटेशन जो आपका होगा वो केवल फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में लिखा जाएगा, इसमें थर्ड पर्सन का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज आपको विशेष रूप से करना है, और जो क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन आती है हमेशा उसको विशेष रूप से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या है, कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई है या राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई है, क्या उसमें आपको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। ये चीज आपको विशेष रूप से लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ना है कि भाई क्वेश्चन कौन सा पूछा है, आपके फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई पूछा है या इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई पूछा है, इसमें आपको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। तो एक जो फॉर्मेट मैंने बनाया है उसमें सबसे पहले देखो, जो भी आपका जो इनविटेशन का जो भी टॉपिक आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसमें विशेष रूप से आपको क्या ध्यान में रखना है कि जिसको भी इनविटेशन मिला है, जैसे यू हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड, तो यू का मतलब आप खुद, तो आपको खुद का अपना एड्रेस यहां पे लिखना है, उसके बाद में आपको डेट लगानी है। अब डेट में भी विशेष क्या ध्यान रखना है आपको कि जो डेट आपके एग्जाम में दी हुई है उससे पहले की डेट आपको मेंशन करनी है, उसके बाद में आपको सैल्यूटेशन या एड्रेस करना है भी, कोई भी पर्सन कौन सा है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद में आपको बिल्कुल जो फॉर्मेट लिखा हुआ है उसमें सिर्फ आपको एक केवल इवेंट चेंज करना है, एक आपके डेट चेंज करनी है, डेट लिखनी है इसके अंदर, एक टाइम लिखना है और एक जो प्लेस है वो एक्सेप्ट करना है, तो ये लाइन फिक्स रहेगी, और डिक्लाइन करना है तो ये लाइन फिक्स रहेगी। उसके बाद में आपके सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन जो भी आपका जो रिसीवर है, जो भी क्वेश्चन में रिसीवर किसके अकॉर्डिंग आपने उसको जो भेजा है, आपने लेटर या जो भी इनविटेशन भेजा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्सक्रिप्शन का यूज करना है। अगर आपको इनविटेशन देने वाला अगर आपका फ्रेंड है तो आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन में योर सिंसियरली। अगर आपके ब्लड रिलेशन में कोई इनविटेशन आपको मिला है उसमें आपको लिखना है योर्स अफेक्शनेटली। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या ऑफिशियल डिपार्टमेंट से कोई भी मिला है तो उसमें आपको लिखना है योर्स फेथफुली, और या जिस इंस्टीट्यूट में आप कार्यरत हो, वर्क कर रहे हो, तो उसमें आपको लिखना है योर्स ओबीडिएंटली। ये तो जनरल चीजें हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, इमेजिन यू आर रमेश शर्मा लिविंग एट आदर्श नगर फलोदी एंड यू हैव बीन इनवाइटेड बाय your friend, you have been invited by your friend Mukesh Verma to attend his marriage ceremony on August 24, 2020 at 8 p.m. at his residence. अब ये लास्ट वाली लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है कि इसमें पूछा क्या है, आपको फॉर्मल पूछा है या इनफॉर्मल पूछा है, तो राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। अब देखो ये क्वेश्चन आपके आ गया, अब इसमें क्या ध्यान रखना है विशेष रूप से आपको
क्वेश्चन में है कि भी रिसीवर कौन है और सेंडर कौन है. इमेजिन यू आर रमेश शर्मा. इमेजिन यानी आप कल्पना करो कि आप खुद रमेश शर्मा हो यानी रिसीवर आप खुद हो. तो इमेजिन यू आर रमेश शर्मा लिविंग एट आदर्श नगर फलोदे एंड यू हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड मुकेश वर्मा. यानी इसके अंदर जो रिसीवर है आपके वो है रमेश शर्मा. सेंडर जो है आपको इन्विटेशन जो देने वाला है वो है आपके मुकेश वर्मा. इवेंट जो है इसके अंदर वो है आपके मैरिज सेरेमनी. ये मैरिज सेरेमनी हो गया आपके इवेंट. डेट आपकी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ऑन अगस्त 24, 2020. टाइम आपकी दिया हुआ है 8 PM और जो वेन्यू है या प्लेस दिया हुआ है आपके रेजिडेंस. और क्वेश्चन है आपके राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई. यानी मेन चीज आपको बोर्ड में ध्यान रखनी है कि जल्दबाजी नहीं करनी है कि पूछा क्या है आपको, फॉर्मल पूछा है या इनफॉर्मल पूछा है, एक्सेप्ट करना है या आपको डिक्लाइन करना है. अब इसका देखो फॉर्मेट आपके सामने है. अब कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे. रिसीवर्स एड्रेस. अब रिसीवर एड्रेस क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन के अंदर, आदर्श नगर फलोदे. तो कुछ नहीं करेंगे, आप रिसीवर जो एड्रेस दिया हुआ है उसकी जगह अपन लिख देंगे आदर्श नगर कॉमा फलोदे. उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है आपको. डेट कौन सी दी हुई है आपको, कौन सी डेट को बुलाया गया, इनवाइट किया गया है, अगस्त 24. तो आपको रिप्लाई पहले देना है. तो आंसर उसके अकॉर्डिंग आप डेट क्या लगोगे, अगस्त 21, 2020. उसके बाद में मैंने कहा आपको सैल्यूटेशन का यूज करना है. तो फ्रेंड है तो माय डियर. फ्रेंड का जो नाम है आपके, सेंडर कौन है आपको इनविटेशन देने वाला, मुकेश वर्मा. तो माय डियर मुकेश वर्मा. उसके बाद में आपके ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है. तो आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड. अब देखो इवेंट, इवेंट कौन सा है आपको. तो इवेंट की जगह आपको इवेंट को यहां पर हटाना है इस फॉर्मूले से और इवेंट की जगह आप लिख दो कौन से इवेंट के लिए बुलाया आपको, अटेंड योर मैरिज सेरेमनी. उसके बाद में दिया हुआ था आपके डेट. डेट की जगह आप लिख दो ऑन अगस्त 24, 2020. टाइम की जगह आपके हो जाएगा एट 8 PM और रेजिडेंस हो जाएगा आपके मेन्यू में एट हिज रेजिडेंस. यानी फॉर्मूले में अपन ने कुछ परिवर्तन नहीं किया है, सिर्फ केवल एक इवेंट की जगह आपने मैरिज सेरेमनी लिखा है. डेट की जगह अपन ने डेट लगा दिया अगस्त 24. टाइम की जगह अपने लिख दिया है 8 PM और प्लेस जो है वेन्यू उसके लिख दिया अपने रेजिडेंस. तो यहां पे हिज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन का यूज होगा नहीं, एट योर रेजिडेंस. ठीक है. अब क्वेश्चन में दिया हुआ आपको एक्सेप्ट करना है. तो एक्सेप्ट करना है तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, आई विल डेफिनेटली कम टू ज्वाइन द फंक्शन. और अगर यही क्वेश्चन आपके एक्सेप्ट की जगह बोर्ड में आ जाए कि डिक्लाइन करना है तो इस लाइन को आप हटा दोगे, इस लाइन की जगह लिख दोगे बट आई एम अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू रीजन. अगर आपके एग्जाम में रीजन दिया हुआ है ड्यू टू एन अर्जेंट मीटिंग या ड्यू टू मदर्स इलनेस या ड्यू टू बोर्ड, तो आपको रीजन लिख देना है बस. तो यहां पे ड्यू टू एन अर्जेंट मीटिंग. फिर आई विश एवरी सक्सेस ऑफ दिस फंक्शन. अब क्वेश्चन के अंदर जो आपको जो इनविटेशन देने वाला कौन है, आपका फ्रेंड है, तो आप सब्सक्रिप्शन कौन सा यूज करोगे, योर्स सिंसियरली. तो यहां पे आप सब्सक्रिप्शन यूज कर लो. योर्स सिंसियरली और योर्स सिंसियरली में आपको अपना खुद का नाम लिखना है. योर्स सिंसियरली रमेश शर्मा. तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको, ये अच्छी तरह से देखना है. एड्रेस की जगह आपको एड्रेस लगाना है. उसके बाद में आपको केवल परिवर्तन किसमें करना है, चेंजेस ऑनली इवेंट डेट टाइम प्लेस. डिक्लाइन करना है तो डिक्लाइन के अकॉर्डिंग लाइन लिखनी है, एक्सेप्ट करना है उसके अकॉर्डिंग, और सब्सक्रिप्शन का यूज आपको देखकर करना है. तो ये था आपके टॉपिक इन्विटेशन, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर कहते हैं आपके. फॉर्मल इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना, डिक्लाइन करना, और इनफॉर्मल जो इनविटेशन है उसको कैसे आपको एक्सेप्ट करना है और डिक्लाइन. अब एक चीज और थोड़े बता देता हूं, अगर आपके 2 पर्सन हो जाए यहां पे, अगर पर्टिकुलर रूप से अगर यहां पे रमेश शर्मा की जगह मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, तो यहां पे आपको आई की जगह वी का यूज करना है. ये चीज आपको थोड़ा विशेष ध्यान में रखनी है क्योंकि सेकंड पर्सन का और फर्स्ट पर्सन का यूज इसमें किया जाता है. ये के लिए थोड़ी सी देख लेना है. 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको आज ग्रुप में, अच्छी तरह से करके चेक करवाने. ओके, थैंक्स.